तो आरसी पैसेजेस में मेरे कितने रॉक स्टार्स दो ऑप्शंस पे आके अटक जाते हैं एंड उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। बी स्टार्ट यूजिंग द बेन थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। ये होता क्या है? बी स्टैंड्स फॉर ब्रॉड। अगर आपका ऑप्शन बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहा है, अचानक पैसेज को वो अलग लेवल पे, इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात पे ले गया, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, इट इज ब्रॉड। ए स्टैंड्स फॉर एलियन। क्या आपका ऑप्शन कोई न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, पैसेज के बाहर जा रहा है, स्कोप ऑफ द पैसेज के कंप्लीटली ऑफ है, देन इट इज एलियन। एंड stands for narrow. ये broad का छोटा भाई है. Is it coming from only a small part of the passage? Is it mentioning very very specific things? Then it is wrong. And finally, E stands for extreme. Extreme में आपको keywords आएंगे जैसे कि always, never, everyone, majority, will, 100% eliminate. Do you want a detailed video on the Bain theory of elimination? मुझे comment section में जरूर बताना. Yes, I do. I will create a video and get for you.